एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्प शिल्पा भी दैट इज मैक्सिमम। कैसे हैं आप सब? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। आज मैं सच में ब्लॉग स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गया, इट्स अराउंड 2:30 बिकॉज मंडे है, वीक का स्टार्टिंग है, जो कि क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो नॉर्मली वीकडेज में मेरे को आफ्टर लंच ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं आफ्टर लंच ही करूँ। तो आज लंच में आपने क्या खाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बोलना। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब तक हमारे बालकनी डेकोरेशन में हमने बालकनी के रेलिंग्स को थोड़ा क्लीन किया कर लिया, प्लांटर्स को भी थोड़े क्लीन कर लिए, देन अराउंड 3-4 DIYs भी बना लिए। जैसे हमने कुछ प्लांट स्टिक्स बनाए, बर्ड नेस्ट बनाया, जितने टेराकोटा के हैंगिंग्स थे उनको हमने पेंट कर लिया। तो आज हम आगे के दो और आज हम और भी 2-3 DIYs बनाएंगे, 2 new DIYs बनाएंगे। एंड जो हमने कल प्लांट स्टिक्स बनाए थे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमें आउल या आउल और बर्ड वाला प्लांट स्टिक्स भी कैसे बनाना है देखना है, तो मैं उसका भी थोड़ा आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम पुराने बिस्किट का कार्टन लेंगे, फिर थोड़े पतले से कार्टन होते हैं उस पर मैं एक बर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कट कर लूँगी। देन ब्लैक एक्रिलिक कलर की मदद से मैं पूरे बर्ड को अच्छी तरह से पेंट कर लूँगी और ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब बर्ड का पेंट टोटली ड्राई हो जाए, देन मैं मेटलिक गोल्डन कलर लूँगी और ड्राई ब्रशिंग करूँगी उस बर्ड पर। इससे क्या होगा, मेरे बर्ड को थोड़ा मेटलिक लुक मिलेगा, लगेगा जैसे मेटल का बना हुआ है। जो मेरा सेकेंड DIY है वो है प्लास्टिक बॉटल से। हम सबके घर में डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं। मेरे घर में शुगर फ्री के बॉटल्स हर महीने अराउंड 4-5 आते हैं, बिकॉज मेरे मम्मी पापा दोनों डायबिटिक है, तो बहुत सारे ढेर सारे प्लास्टिक बॉटल्स मेरे घर में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने सोचा उन बॉटल्स का ही कुछ यूज़ करके हम कुछ नया और इनोवेटिव क्राफ्ट बनाएं। ऐसे भी हम जब प्लास्टिक के बॉटल्स को बाहर ऐसे गार्बेज में फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज होती नहीं है और वो जमते रहता है और एनवायरनमेंट को गंदा करता है। तो क्यों ना हम उन सारे प्लास्टिक के बॉटल से कुछ सुंदर क्राफ्ट बनाएं और अपने घर को सजाएं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बनाया। अब हमारा सेकेंड DIY, इसके लिए मैं शुगर फ्री के बॉटल्स लूँगी और उसके लेबल्स को हटाकर क्लीन कर लूँगी। देन मैं एक्रिलिक कलर से उन बॉटल्स को डिफरेंट कलर्स में पेंट करूँगी, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, जितने वाइब्रेंट कलर्स हैं उन सब में मैं अपने बॉटल्स को पेंट करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं बॉटल्स को अच्छी तरह से पेंट कर रही हूँ और फिर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये बॉटल्स ड्राई हो जाए तो मैं उस पर एक्रिलिक कलर की ही मदद से अच्छे अच्छे से वर्ड्स लिखूँगी, जैसे हैप्पी, स्माइल, पीस, ऐसे थोड़े क्यूट क्यूट से और अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख दूँगी, जिससे मतलब अच्छा लगता है ना। जैसे आपने ये बॉटल देखा उसके ऊपर, जैसे अगर आपको दिखा कि स्माइल, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो ऐसे मैं लिख लूँगी और जब ये ड्राई हो जाए मैं 3 mm मैक्रेन का रोप लूँगी, आप चाहे तो जूट का रोप भी ले सकते हैं, और उसको मैं हैंग करने के लिए इसका हैंडल बना दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये क्यूट कलरफुल बॉटल क्राफ्ट बन जाता है जल्दी ही। तो कैसे लगे ये कलरफुल बॉटल्स? अच्छे लग रहे हैं ना, प्लास्टिक के हैं तो गिर भी जाए तो टूटेंगे नहीं। और देखो इन सब पर मैंने एक सुंदर सा कोड भी लिखा है, कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। बालकनी में ऐसे कलरफुल बॉटल्स रहेंगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली बहुत कलर्स आ जाएंगे। तो चलिए इनको भी हम अपने बालकनी डेकोर में यूज़ करते हैं। और ये हमारा कल का DIY, जो कल हमने बर्ड और आउल को ड्राई होने के लिए रखा था, कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि उनको वो भी पेंट होके देखना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम आज मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ड्राई होने के बाद आउल और बर्ड को एक्रिलिक कलर से पेंट किया। आप अपने चॉइस ऑफ कलर्स में इनको आप अच्छी तरह से पेंट कीजिए
और ये पेंट होने के बाद ना सुपर क्यूट दिखने लगते हैं। और अचानक से सडनली कोई देखे ना तो ये बोल ही नहीं सकते कि ये कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। और आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है, बट ये लगते उतने ही क्यूट और प्लांट के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से मैंने आउल और बर्ड को भी पेंट कर लिया। ये देखिए मेरा मिस्टर आउल के आईज बन रहे हैं अब, और थोड़ी देर में हमारा मिस्टर आउल बनकर रेडी हो जाएगा। पेंट होने के बाद ना आउल और बर्ड ऐसे दिखेंगे। अब हम इनके स्टिक्स को लगाएंगे। मैंने स्टिक्स लगाने के लिए बारबेक्यू स्टिक्स को, बम्बू स्टिक्स जो होते हैं ना उनसे, उनको यूज़ किया हॉट ग्लू की मदद से, उनको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया और हमारा मिस्टर आउल रेडी है। तो ये कितने क्यूट दिख रहे हैं ना ये सारे स्टिक्स, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं और प्लांट्स के साथ ही बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो आप भी, और इन्हें बनाना कितना आसान है, आप भी अपने घर में बहुत सारे स्टिक्स बनाइए इस तरह के। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। ये देखो मेरा फिश वाला स्टिक, और ये और एक कैट वाला, कितना क्यूट है ना। तो अगर आपको मेरे डीआईवाईज और क्राफ्ट वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।